शाजापुर जिले के बेरछा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिछले वर्ष मकान की खुदाई के दौरान मिले चांदी सोने के सिक्के को बाजार में बेचने जा रहे तीन मजदूरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 150 चांदी और 13 सोने के सिक्के मिले हैं, जिनकी बाजार भाव में कीमत करीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से माल बरामद कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। शाजापुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम पचोला में 8 महीने पहले एक मकान निर्माण के दौरान खुदाई कर रहे तीन मजदूर संतोष, जितेंद्र और किशन को एक मिट्टी का घड़ा मिला था, जिसके अंदर चांदी और सोने के सिक्के भरे हुए थे, जिसे तीनों मजदूरों ने आपस में बांट लिया था। तीनों मजदूर आज इन सिक्कों को बेचने जा रहे थे। इसी बीच बेरछा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों मजदूरों को अकोदिया नाके से गिरफ्तार किया और इनकी तलाशी ली तो 150 चांदी के और 13 सोने के सिक्के मिले हैं, जिनकी कीमत बाजार भाव से करीब 8 लाख रुपए है। मजदूरों ने इस विषय में किसी को नहीं बताया था। पुरातात्विक विभाग को भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी और बिना जानकारी के बेचने जा रहे थे सिक्के। बेरछा पुलिस ने तीनों मजदूरों से सिक्के जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मजदूर इससे पहले भी सिक्के बेच चुके हैं, 8 महीने बाद फिर से बेचने जा रहे थे। घड़े में इससे ज्यादा सिक्के थे। जाँच के बाद पूरा खुलासा होगा। आज सुबह हमारी पुलिस टीम हमारे एसआई रामेश्वर पटेल टीम के साथ में कस्बा भ्रमण पर थे। उसी दौरान उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तीन व्यक्ति सुंदरसी नाका पर खड़े हैं, जिनके पास में कोई गड़ा हुआ धन सिक्के वगैरह लेके खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। वहां पर तीनों व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ाकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने चेक करते 30 सिक्के चांदी के, किशन के पास से, जितेंद्र के पास से 60 सिक्के चांदी के व 6 सिक्के सोने के, व संतोष के पास से 60 सिक्के चांदी के व 7 सिक्के सोने के, टोटल 150 सिक्के चांदी के व 13 सिक्के सोने के पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनकी करीब कीमत 8 लाख रुपए से ऊपर है। आरोपियों का कृत्य भारतीय निखात अधिनियम 1878 व 403 ITC के अंतर्गत दंडनीय होने से आरोपियों से उक्त माल जब्त किया गया और थाने पर लाकर मालखाने जमा किया गया। सर कहाँ कैसे क्या मिला ये कुछ जानकारी? हाँ, सुंदरसी नाका पर ये बेचने की फिराक में लेकर जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने इनसे माल जब्त किया। इनके पास कहाँ से क्या है, क्या था? अभी उस संबंध में जानकारी निकाली जा रही है। कहीं मकान बनाते समय खोदने पर जमीन से माल मिला। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शाजापुर से शाकिर शेख के साथ इम्तियाज खान की रिपोर्ट।